चौथे चरण की इस लड़ाई में कई हॉट सीट हैं, कई ऐसे जिले हैं जिन पर कई दलों का लंबे समय से कब्जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लखनऊ की 9 सीटें भी शामिल हैं, जिसकी सरोजनी नगर सीट और लखनऊ कैंट सीट को सबसे हाई प्रोफाइल सीट बताया जा रहा है। तो हरदोई की सदर सीट पर 40 साल से एक ही परिवार का कब्जा रहा है। बड़ी बात यह है कि आजादी के बाद से अब तक इस सीट पर कमल नहीं खिला। इस फेज की लड़ाई में लखीमपुर की निगासन सीट भी शामिल है, जो तिकुनिया कांड को लेकर चर्चा में है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए क्यों चौथे फेज की जंग सबसे टफ बताई जा रही है। लखनऊ पहुंची यूपी की लड़ाई, आखिरी किले में कांग्रेस की चढ़ाई, हरदोई का वो किला जहां कभी कमल नहीं खिला। चौथे चरण में 23 फरवरी को जिन 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होनी है, वहां पिछले चुनाव में 87% सीटों पर कमल खिला था। भाजपा की प्रचंड आंधी में विरोधी दल हवा हो गए थे। अकेले भाजपा ने 59 में से 52 सीटें जीत ली थी, जिसमें से एक सीट भाजपा की सहयोगी अपना दल को भी मिली थी। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 4 सीटें पहुंची थी, जबकि कांग्रेस और बसपा 2-2 सीटों पर सिमट गई थी। ऐसे में सवाल बड़ा है कि 5 साल बाद क्या भाजपा अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी, या फिर छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर अखिलेश भाजपा के इस गढ़ में उसे चुनौती देंगे। उत्तर प्रदेश की सलामती के लिए उत्तर प्रदेश को दंगे और आतंकवाद से, दंगे और आतंकवाद से मुक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। बाबा बुल्लू का कह रहे गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जैसे ही पहले चरण का वोट पड़ा है बीजेपी के नेता ठंडे पड़ गए। और मैं जानता हूँ जब ऊंचा हार के लोग वोट डालेंगे, रायबरेली के लोग वोट डालेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। चौथे चरण की इस जंग में लखनऊ भी शामिल है, जिसका सीधा रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है। 2017 में लखनऊ की 9 में से 8 सीट पर भाजपा ने जीत का कमल खिलाया था, लेकिन इस बार लखनऊ की सरोजनी नगर सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है, जहां भाजपा ने मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काटकर राजेश्वर सिंह को थमा दिया, जिनकी सीधी टक्कर सपा के ही अभिषेक मिश्रा से है। कुछ ऐसा ही हाल लखनऊ की कैंट सीट का है। इस सीट के लिए मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने दावा ठोका। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने अपने बेटे मयंक के लिए दावा ठोका, लेकिन बाद में भाजपा ने योगी सरकार में कानून मंत्री बृजेश पाठक को यहां से उतार दिया, जिनकी लड़ाई सपा के सुरेंद्र गांधी से है। वहीं इन सबके बीच सबकी निगाहें हरदोई पर भी टिकी हैं। इसकी सदर सीट पर आजादी के बाद से कभी कमल नहीं खिला। यहां 40 साल से अग्रवाल फैमिली का कब्जा है। 2017 में जब भाजपा की प्रचंड लहर थी, तब भी ये सीट भाजपा नहीं जीत पाई, लेकिन अब ये फैमिली भाजपा में आ गई है। नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को भाजपा ने हरदोई सदर सीट से मैदान में उतारा है, जिनके सामने सपा ने पासी समुदाय से आने वाले अनिल वर्मा को टिकट दिया है, तो बसपा ने यहाँ ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए शोभित पाठक को उतारा है। कहने को हरदोई में 8 सीटें हैं, लेकिन सबकी नजर हरदोई की सदर सीट पर है। यहाँ नरेश अग्रवाल का तिलिस्म तोड़ने के लिए सपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। अभी जो तीसरा चरण वोट पड़ा है बीजेपी के कई बूथों पर, कहने को तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मिस्ड कॉल कर करके इन्होंने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन आप पता कर लेना तीसरे चरण में कई बूथ ऐसे थे जहां पर एक भी बूथ पे मक्खी मारने वाला भी नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को। निर्दोष नागरिक मरते थे, जनजीवन अस्त व्यस्त होता था। आज मैं कह सकता हूं जब 5 साल का कार्यकाल सरकार का पूरा हो रहा है, आज मैं इस बारे में कह सकता हूं 5 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। उनकी तो दिहाड़ी 200 रुपए है नहीं, आपकी एक दिहाड़ी में आपकी एक बोतल तेल नहीं आ रही है।
आगे क्या करेंगे कि उनको ये नहीं मालूम कि इतने बेरोजगार बच्चे हैं, इसीलिए तो उन्होंने 12 लाख सरकारी पद खाली रखे हैं 5 सालों से, क्योंकि उनको तो बेरोजगारी दिख ही नहीं रही है उत्तर प्रदेश में। चौथे चरण की इस जंग में कांग्रेस का वो किला भी शामिल है जो 2017 की जंग में तो बच गया, लेकिन क्या 22 की लड़ाई में बचेगा, क्योंकि इस बार रायबरेली में भाजपा ही नहीं सपा भी एक एक सीट पर कड़ी चुनौती दे रही। कांग्रेस के लिए मुश्किल ये है कि रायबरेली की जो 2 सीटें कांग्रेस ने पिछले चुनाव में जीती थी वो दोनों ही विधायक भाजपा में जा चुके हैं। रायबरेली की सदर सीट से भाजपा ने कांग्रेस की बागी अदिति सिंह पर दांव खेला, जिनके सामने कांग्रेस ने मनीष चौहान और सपा ने आरपी यादव को उतारा है। चौथे चरण की लड़ाई में लखीमपुर भी सबसे हॉट जिला है, खास तौर पर निघासन विधानसभा सीट, जिसके सिंहासन पर कौन काबिज होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके फैसले में तिकुनिया कांड का भी अहम रोल हो सकता है, क्योंकि 3 अक्टूबर की हिंसा के बाद यहां बहुत कुछ बदलने का दावा हो रहा है। इस हॉट सीट पर भाजपा की तरफ से शशांक वर्मा फिर से मैदान में है, जिनके सामने सपा ने बसपा से आए आरएस कुशवाहा पर दांव चला है। अब 23 फरवरी को 2,12,00,000 से ज्यादा मतदाता अपने वोट से मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे, मतलब जनता की कसौटी पर कौन पास होगा और कौन फेल, इसका फैसला जनता के वोट से ही होगा। साथ ही ये भी पता चलेगा कि जिन जिलों में चुनाव दर चुनाव किसी एक दल या एक परिवार का कब्जा था वो 22 की जंग में ठहरते हैं या मजबूती से डटे रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।